रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला कांगड़ा के पुलिस स्टेशन हरिपुर के तहत पड़ी पुलिस चौकी रानीताल के तहत बाथुपुल के पास एक टैक्सी ड्राइवर युवक की लाश बरामद हुई है। युवक का मर्डर कर उसे वहां पर फेंका गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है और एएसपी कांगड़ा दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। साथ ही ऊना से डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला कांगड़ा के पुलिस स्टेशन हरिपुर के तहत पड़ी पुलिस चौकी रानीताल के तहत बाथू पुल के पास एक टैक्सी ड्राइवर युवक की लाश बरामद हुई है। युवक का मर्डर कर उसे वहां फेंका गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। एसपी कांगड़ा दिनेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। साथ ही ऊना से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस युवक का शव मिला है वह बैजनाथ क्षेत्र का रहने वाला था और टैक्सी चलाता था। उसकी पहचान टैक्सी ड्राइवर अश्विनी पुत्र मोहन सिंह निवासी नौरी पड़ियारखर बैजनाथ के रूप में हुई है। उसने अभी 5-6 दिन पहले ही नई टैक्सी स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग खरीदी थी। टैक्सी का नंबर भी नहीं मिला था। पिछले कल टैक्सी चालक ने सुबह करीब 11 बजे अपने पिता को फोन कर बताया कि वह सवारी छोड़ने जा रहा है। जब रात 8 बजे तो घर नहीं पहुंचा तो उसके मोबाइल पर फोन आया, लेकिन घंटी जाने के बाद भी उसका फोन नहीं उठाया। इसके बाद परिजनों ने स्थानीय पंचायत प्रधान को साथ लेकर बैजनाथ थाना में टैक्सी ड्राइवर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। ट्रैकिंग में टैक्सी ड्राइवर की लोकेशन रानीताल के आसपास की आई। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर के परिजनों और अन्य लोगों ने रानीताल के आसपास उसकी तलाशी शुरू कर दी। आज करीब 1 बजे बाथू पुल से पास सड़क के नीचे रेलवे ट्रैक के पास शव बरामद हुआ। इसकी सूचना बैजनाथ थाना और रानीताल पुलिस चौकी को दी गई। ऐसा भी बताया जा रहा है कि युवक को चंडीगढ़ की कोई सवारी मिली थी। सवारी लेकर चंडीगढ़ के लिए निकला था, लेकिन पुलिस अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि किराए पर गाड़ी करने वाले व्यक्ति की उसका मर्डर कर गाड़ी लेकर फरार हो गए हैं, क्योंकि गाड़ी का भी सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि सारी बातों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो पाएगा। अश्विनी की एक बेटी और 4 साल का बेटा है। एएसपी कांगड़ा दिनेश कुमार ने बताया कि टैक्सी चालक के पिता के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। गाड़ी का कोई पता नहीं चल पाया है। गाड़ी के बारे में सभी थानों और चौकियों को सूचित कर दिया है। टैक्सी ड्राइवर सवारी लेकर कहां जा रहा था, इसकी जांच जा रही है। शव का पोस्टमार्टम करने के लिए टांडा भेजा गया है। ये जो टास्क भी ना, आज क्या हुआ था यहाँ पे रानीताल में डेड बॉडी मिली हुई है? हाँ, आज रानीताल चौकी में करीब 1 बजे के करीब दिन में इन्फॉर्मेशन आई थी कि किसी व्यक्ति की बॉडी जो है वो रेलवे ट्रैक के पास पेट्रोल पंप के पास जो है वो पड़ी है, जिस पर यहाँ से चौकी इंचार्ज और हमारे डीएसपी साहब जो है वो मौका पर पहुँचे थे। और मौका पर पहुंचकर जो है वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे बॉडी को पाया गया, और वही बॉडी जो जिन्होंने आइडेंटिफाई करी थी वो भी लोग वहीं पे मौजूद थे। और जब उनसे पूछताछ करी गई तो वो जो डिसीज्ड है उसके रिलेटिव थे। पूछताछ के दौरान ये पाया गया कि जो डिसीज्ड है उसका नाम अश्विनी कुमार है और वो बैजनाथ का रहने वाला है। और पिछले कल जो है वो बैजनाथ से सवारी लेके, ही इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, और पिछले कल वो बैजनाथ से सवारी लेके आ रहा था। और उसने करीब 11:30 बजे के करीब दिन के समय अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया कि मैं ऐसे सवारी लेके जा रहा हूँ। लेकिन रात को जब वो वापस नहीं आया तो उसके पिताजी ने उसको 8:30 बजे के करीब फ़ोन करने स्टार्ट किए। उसका फ़ोन पर बैल जा रही थी लेकिन किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और मॉर्निंग में वो लोग अपने प्रधान जी के पास गए और प्रधान और उसके घर वाले, डिसीज के घर वाले, उसके बाद वो थाना बैजनाथ में गए थे और थाना बैजनाथ में उस व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लॉन्च करवाई थी। उसके बाद जब उसके फ़ोन को हमने ट्रैक किया तो पाया गया कि उसकी जो लोकेशन है वो रानीताल के आसपास पाई जा रही है अश्विनी कुमार की। जब ये सभी लोगों को बताया तो वो लोग उसको ढूंढने के लिए यहाँ रानीताल आए थे और उसको ढूंढ रहे थे। तो तब करीब 1 बजे के करीब जब उन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन बैजनाथ और पुलिस चौकी रानीताल में इन्फॉर्म किया, जिसमें पुलिस पार्टी वहाँ पे गई। स्पॉट को देखा गया और स्पॉट पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया और स्पॉट पे डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। और स्पॉट पे यही पाया जा रहा है कि ये जो अश्विनी कुमार है इसकी किसी ने हत्या कर दी है और बॉडी वहाँ पर इसकी पाई गई उस स्पॉट पे, और गाड़ी जो है वो इसकी डिसअपीयर है। हमने 302 में केस रजिस्टर कर दिया है अश्विनी कुमार के फादर की स्टेटमेंट के ऊपर,
और कल बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन इस केस में अब कंटिन्यू है। गाड़ी में ड्राइवर अकेला था या कोई और भी था साथ में? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलेगा कि ड्राइवर के साथ और कौन कौन थे, क्योंकि अभी इस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ हमें इतना मालूम है कि ये सवारी को लेके आया था। अब सवारी को लेके ये किधर आया था, अभी ये चीज़ सारी अन्वेषण का विषय है और अन्वेषण के दौरान ही पता चल पाएगा कि ये सवारी लेके कहाँ आया था। सर, गाड़ी का अभी तक कुछ? अभी हमने मैसेजेस वगैरह हर जगह कर दिए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि गाड़ी अगर हमारे बॉर्डर एरिया पे अगर ट्रेस हो जाए तो हम उसको ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि गाड़ी अभी नई है, उसका कैसे? हाँ, इसके जो फादर के बयान में ये आया है कि इसने अभी 5-6 दिन पहले ही ये नई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर वाइट कलर की जिसका के नंबर HP68T 1544 है, ये इसको इसने कोई 5-6 दिन पहले ही खरीदा है और ये वाइट कलर की है। सर, डॉग स्पॉट से कुछ मालूम पड़ा? हाँ, अभी डॉग आया है, अभी देखते हैं, अभी हम जो डॉग हैंडलर है उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा।